9 तारीख को चिरंजीव राव भरेंगे नामांकन, उप मुख्यमंत्री बनने का किया दावा। बता दें कि पूर्व मंत्री कप्तान अजय यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और कहा है कि 9 तारीख को चिरंजीव राव करेंगे नामांकन। कांग्रेस के टिकट वितरण से पहले ही कप्तान अजय यादव ने कहा कि चिरंजीव राव ने जनता उन्हें विधायक चुनती है तो वे उप मुख्यमंत्री के दावेदार रहेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनावों का ऐलान होने के बाद पूर्व मंत्री कप्तान अजय सिंह यादव और रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने आज कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कांग्रेस की टिकटों की घोषणा होने से पहले ही कार्यकर्ताओं को कहा कि चिरंजीव राव 9 तारीख को नामांकन भरेंगे। रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने कहा है कि अगर जनता इस बार उन्हें विधायक चुनती है तो वो उप मुख्यमंत्री के दावेदार होंगे। कप्तान अजय यादव ने कहा है कि चिरंजीव राव ही कांग्रेस की टिकट पर चुनाव, आपको बता दें, चुनाव लड़ेंगे और यकीन के साथ वो कह रहे हैं। वहीं चिरंजीव राव ने कहा है कि हर किसी की महत्वाकांक्षा रहती है कि उनकी भी महत्वाकांक्षा है कि मुख्यमंत्री बने और उप मुख्यमंत्री बने। ये लड़ाई अकेले नहीं, वो दक्षिण हरियाणा की है। अजय कप्तान का कहना है कि चिरंजीव राव ने कहा है कि भाजपा राज में इलाके में कोई काम नहीं हुआ, जितने भी कार्य हुए वो सभी कांग्रेस शासन काल में हुए थे। उन्होंने कहा कि ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद रेवाड़ी के लोग आज भी मूलभूत सुविधाओं से परेशान हैं। आप देखें रेवाड़ी, ब्यूरो रिपोर्ट। अरे भाई की जी को मेरे घर भी दो बार आई है तो क्या हमने कांग्रेस छोड़ दी? ठीक है, तो मेरी भी कटी थी तो क्या मैंने कांग्रेस छोड़ दी लोकसभा में? आप लोगों ने लोकसभा के चुनाव में 7,33,000 वोट दिए हैं, जब ना आप मोदी को जानते थे, ना मोदी आपको जानते, ना आप इसको राजबब्बर को जानते थे, ना राजबब्बर आपको जानता था। ये लड़ाई कौन लड़ रहा था? हमारे लोग लड़ रहे थे। अगर ठीक टिकट ठीक दे दी होती, अगर आपके बेटे आपके ताऊ चाचा को दे दी होती तो एक बार से जीतना मैं आपको बात कर रहा हूं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि राजनीति में मैं आज भी कह रहा हूं हरियाणा में सरकार कांग्रेस की बनेगी, अगर मैरिट के आधार पर टिकट देंगे तो 70 बार जाएंगे, कोई ताकत रोक नहीं सकती है। 9 तारीख शुभ है, 9 तारीख मेरी गाड़ी का नंबर है, 9 नंबर जो है चिरंजीव का गाड़ी का नंबर है। 9 का मतलब है मजबूती, 9 का मतलब है साहस, 9 का मतलब है कि जो है लकी नंबर, लकी नंबर। कप्तान साहब, अभी आपने जिक्र किया था लोकसभा में टिकट आपके कटने के बारे में, हाँ, तो कहीं ना कहीं आपके संगठन ने टिकट गलत बांटी थी, आप उस चीज को? अब वो बात खत्म होगी, अब उस बारे में मैं कोई बात कहना नहीं चाहूंगा, अब अगली बार देखेंगे 2029 में देखेंगे। ऐसा है, राहुल गांधी जी ने एक बात कही है कि इस बार जब टिकट का बंटवारा हो तो हर पक्ष का जो है सुनी जाएगी, और क्योंकि मैं राष्ट्रीय चेयरमैन हूँ ओबीसी का, इलेक्शन कमेटी का मैं भी मेंबर हूँ, चिरंजीव भी मेंबर है, तो उसके तहत हम अपने साथियों की, चाहे वो पूरे हरियाणा के अंदर और मैं बल्कि महाराष्ट्र में और झारखंड में भी और J&K में भी जो हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग हैं उनकी हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा टिकट ओबीसी के लोगों को मिले, और यहाँ पर जो जीत जिताओ हमारे कैंडिडेट हैं उनकी मदद भी करेंगे। भाई चौधर तो MLA डिसाइड करेंगे, जो विधायक चुन के आएंगे वो चौधर का निर्णय लेंगे, ना मेरे हाथ में है, ये हाई कमांड के हाथ में है, और MLA जो चुन के जाएंगे वो चौधर का निर्णय लेंगे। एक बड़ी बात की आपने नॉमिनेशन की भी घोषणा कर दी, टिकट भी डिक्लेयर कर दी, नो डाउट टिकट मिलेगी, आप सबसे बड़े दावेदार है, लेकिन क्या पार्टी के इस तरह से अनुशासन नितनामा नहीं जिस तरह से आपने किया है? ऐसा है कि हमने लकी दिन जो है 9 तारीख है और तब तक टिकट की घोषणा हो जाएगी।